भारत हिंदू राष्ट्र है, कोई बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है। भारत के नेशन जो है यह हिंदू नेशन है। मेरे जाति बिरादरी में क्या सुधार होनी चाहिए, जाति के नेतृत्व बैठकर अपने जाति के बारे में सोचे। क्रमांक एक, जाति के भावना में जो भेदभाव होता है इसको दूर करना। हिंदू राष्ट्र के बारे में संघ ने बहुत पहले कहा है, एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है, ये थियोक्रेटिकल नहीं है। हम 100 साल से हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये है, भारत हिंदू राष्ट्र है, कोई बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है। स्टेट एंड नेशन आर डिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टैब्लिश होने वाली चीज जो है इट इज अ स्टेट, एक स्टेट पावर, राज्य शक्ति है। नेशन इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट। इसलिए भारत के नेशन जो है यह हिंदू नेशन है, यानी यहां के कल्चरल कॉन्सेप्ट जो है वो इस देश के, उसको हिंदू कहो, इंडिक कहो, आर्य कहो, सनातन कहो, देर आर 100 नेम्स, वो हिंदू राष्ट्र है। इसलिए थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। समाज में जो हिंदू समाज के कई प्रकार के जाति बिरादरी के लोग हैं वो इकट्ठा है, एक जाति दूसरे जाति के साथ सहयोग करे, 3 बातें करें। एक, अपने जाति में क्या सुधार होने चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम्स, आजकल के हिसाब से सुधार होते रहने चाहिए, सभी समाज सुधारकों ने किया है। मेरे जाति बिरादरी में क्या सुधार होने चाहिए, जाति के नेतृत्व बैठकर अपने जाति के बारे में सोचे। क्रमांक एक। नंबर टू, दूसरे जाति में जो अशक्त लोग है, दुर्बल है, कमजोर है, गरीब है, उनके बारे में सेवा करने के क्या कर सकते। नंबर थ्री, अपने समाज पर होने वाले जो भी बाकी स्थिति है, व्यसनाधीनता हो सकते है, कन्वर्शन हो सकता है, जमीन के कब्जा हो सकता है, मंदिर के ऊपर आक्रमण हो सकता है, इन चीजों को ठीक करने के लिए सावधानी रखे। ये हर जाति बिरादरी करे, लेकिन ऐसे जाति बिरादरी इकट्ठा है जिले के, ब्लॉक के लेवल पर, ऐसे प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं हिंदू समाज के जातियों को इकट्ठा लान, उसमें जो मैंने पहले बताया समरसता पर्यावरण, उनके इसमें करना। इसलिए जाति के भावना में जो भेदभाव होता है इसको दूर करना। कन्वर्शन इंडिविजुअल लेवल पर किसी को होता है तो देखिए, भारत ने हिंदू समाज ने कभी उसके बारे में कुछ कहा है, जब वो एक साजिश के तहत होता है, वो स्किन डीप है, इट इज नॉट चेंज ऑफ हार्ट, इट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन फ्रॉडुलेंट एंड फोर्सफुल मेथड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस आर देयर एज टेस्टिमनीज। इसलिए उसके बारे में समाज जागरूक है।